हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी के बज रहे मॉर्निंग के 6 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। और सुबह सुबह बोले तो नहाने का बहुत बड़ा टास्क है गाइस, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंडी, और इतनी ठंडी में नहाना बहुत ये लगता है गाइस। तो मैंने कैसे भी करके नहा लिया है तो और मैं रेडी भी हो चुका हूँ। और आज का सीन ऐसा है कि आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरा कॉलेज, जो कि आपको टाइटल देख के तो पहले ही पता चल जाएगा। तो चलिए अभी चाय वाय बना लेते, क्योंकि तो मम्मी तो सोई है, तो चाय बनाने के लिए मम्मी को क्या उठाऊँ, तो मैं खुद ही बना लूँगा। तो चलिए चाय वाय बनाते और आगे मिलते, और चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। सो गाइज, अपनी चाय वाय पी के हो चुकी है, और चाय में थोड़ा चाय पत्ती ज़्यादा हो गया था, तो चाय थोड़ा कड़वा हो गया था, तो कोई नहीं, मैंने पी लिया। और आपको बताइए, दो काम एक साथ करोगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगा ही होएगा। तो चलिए कोई नहीं, और अभी बज रहे 7, और मैं 7:15 तक घर से निकल जाता हूँ कॉलेज के लिए। और 7:15 को मेरा दोस्त आएगा, उसका कॉल आएगा कि आजा, मैं खड़ा हूँ नीचे। तो फिर अपन भी 7:15 तक निकलेंगे घर से। तो चलिए आगे मिलते हैं, और जब तक आप ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर ठोक दो यार, जो करना है कर दो। तो चलिए मिलते हैं आगे। सो भाई चलते, अभी अपने फ्रेंड का कॉल आ चुका है। ये है अपनी सोसाइटी। गाइज, हम लोग फाइनली हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और ये रहा हाईवे, ये रहा अपना हाईवे, और ये रहा मेरा फ्रेंड। मुंह तो हटा भाई, मास्क तो निकाल रहे। ये रहा मेरा फ्रेंड। और गाइज, भाई ने ना मेरे को कल ही बोला था कि भाई मैं न्यू फोन ले रहा हूँ, न्यू फोन ले रहा हूँ। तो भाई ने न्यू फोन ले लिया, और बताओ कौन सा फोन। तो बता भाई, जब तक आप सोचो गाइस कि इसने कौन सा फोन लिया रहेगा, बता भाई। बैग में रखा, देखो इसने लिया है आईफोन, सीधा आईफोन पे धाड़ मार दी इसने। तो अब भी अपने अपन इससे भी व्लॉगिंग करेंगे, अपन इससे भी अभी व्लॉगिंग करेंगे जो इसने ले लिया है। सीधा एमआई से आईफोन, सीधा एमआई से आईफोन, उसी दिन क्या उसी दिन ले लिया। और इसके वजह से मेरा एक दिन व्लॉग लेट आ रहा है। कल मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो ये बोलता है कि भाई मत कर, मैं बीमार हो गया हूँ। तो मैं बोला ठीक है चलेगा, तो मैं सोचा आज कर लेंगे, तो आज डाल देंगे। इसको इससे लेट हो चुका एक दिन। और यहाँ पर हमारे इधर मतलब एक ही फ्रेंड आई है, जो कि हम लोग यहाँ से मतलब 3-4 जन ही चढ़ते, जो कि एक वहाँ पर बैठी है, एक वहाँ पर बैठी है, और हम दो है। चलिए आपको मिलते हैं बस में हम लोग। तो हे गाइस, मैं अभी आ चुका वापस, और अभी हमारा चालू है ब्रेक टाइम, जो कि 12:30 से 1 बजे तक ब्रेक टाइम रहता है। तो मैं अभी आपको मेरे कॉलेज का एंट्रेंस बताता हूँ कि कहाँ से है, कैसा है, क्या नहीं, तो दिखाता हूँ। वहाँ पर जो गेट है ना गाइस, वहाँ से एंट्रेंस है, और ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। और यहाँ से अंदर आओ चलते। ये हमारा कुछ कॉलेज बसेस है, कॉलेज और स्कूल का बस है। और यहाँ पर बच्चे लोग ना लगोरी खेल रहे, स्कूल के बच्चे इन्होंने लगोरी खेल रहे। और ये वाला है ना, ये स्कूल है, ये वाला जो है स्कूल। और आगे चलो, मैं आगे और दिखाता हूँ अपने, मेरे साथ है ये और ये। गाइज, मैं ना आईफोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो क्लैरिटी बताना मेरे को कैसा आ रहा है, ठीक है। मैं भी आईफोन से व्लॉग कर रहा हूँ। तो ये वाला है स्कूल, यहाँ से स्कूल का एंट्रेंस है।
और ये पूरा कॉरिडोर है पूरा। ये है हमारा बॉयज हॉस्टल कॉलेज वाले लोग के लिए। देखो ये है बॉयज हॉस्टल, यहाँ से उसका एंट्रेंस है। और ये हमारी बस है जिसमें हम आते हैं रोज। और ये पता नहीं क्या है, ये वाला पार्ट पता नहीं क्या है। और ये है आइडियल ग्रुप ऑफ स्कूल। और गाइस यहाँ पर कैंटीन है, मैं कोई है कि नहीं पता नहीं। गाइस ये वाला कैंटीन है जो कि स्टाफ खा रही है, तो मैं नहीं दिखा सकता, नहीं तो बोलेंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब हमारे कैंटीन में यहाँ पर मतलब है ना 60 रुपये में एक प्लेट मिलती है, इसमें दाल चावल और रोटी भाजी 60 रुपये में अनलिमिटेड खाओ, पेट भर के खाओ। और ये हम लोग का एडमिशन ऑफिस है। अगर आपको अगर कुछ कॉलेज के बारे में इंक्वायरी करना हो या एडमिशन लेना पड़ो ना, तो यहाँ पर आओ। हम लोग यहाँ पर ही आए थे। और यहाँ पर है ना पहले ग्राउंड था जो कि अभी पूरा टूट चुका है, और यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है जो कि उसका काम चालू है, देख सकते हो आप। पूरा यहाँ पर पहले पूरा ग्राउंड था जो कि इन लोग अभी यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी। ये पूरा पूरा ये कॉरिडोर है पूरा, आगे तक कॉलेज है। हम लोग का बिल्डिंग सबसे लास्ट वाले में, हम लोग का सबसे लास्ट वाले में हम लोग का है फार्मेसी बिल्डिंग। और ये वाला है आइडियल जनरल हॉस्पिटल। ये वाला हॉस्पिटल है जो कि अभी कोविड में दिया हुआ है, पेशेंट वेशेंट तो आई थिंक नहीं है, कोविड में दिया हुआ है पूरा। ये पूरा कोविड सेंटर है, अभी कोविड में दिया है पूरा। और हॉस्पिटल शायद यहाँ पर है, हॉस्पिटल इधर है, और ये पूरा कोविड में दिया हुआ है, ये भी तो बंद है फिलहाल। और इसके आगे वाला वो वाला बिल्डिंग है आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर और लॉ का, जो कि उस वो भी बच्चे नहीं आते अभी, उनका भी शायद अभी ऑनलाइन है ऑफलाइन है वो पता नहीं, वो भी नहीं आते, खाली हम लोग ही आते हैं, फार्मेसी वाले ही आते हैं खाली। बी फार्म और डी फार्म बस हम दोनों का ही चालू है फिलहाल तो, अभी बाकी सब बंद है। और वो है फार्मेसी बिल्डिंग, वो वाला फार्मेसी बिल्डिंग है हम लोग का, ये पता नहीं कौन सा है, वही है लॉ और आर्किटेक्चर का ही रहे। और ये वाला हम लोग का बिल्डिंग है फार्मेसी बिल्डिंग। सो गाइस ये हमारा हर्बल गार्डन है कॉलेज का, जिसमें हर एक प्लांट्स वगैरह मिलेंगे आपको। ये पूरा हर्बल गार्डन है, ये हम लोग को प्रैक्टिकल वगैरह में दिखाने के लिए लेके आते हैं इधर। और ये रहा मेरा बिल्डिंग जो कि कुछ पब्लिक बाहर बैठी है, खड़ी है। इसको सब्सक्राइब करके जाओ। अरे ये पपीता इधर लटक रही है, मेरा नहीं है, रौनक भाई का आईफोन लेके घूम रहे रौनक भाई। ये कुछ सामने का व्यू है मेरे कॉलेज के, सामने फैक्ट्री है, पता नहीं कौन सा फैक्ट्री है। गाइज हम लोग अभी बस से उतर गए कॉलेज की, और वो देखो सामने का व्यू, सनसेट हो रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है। और अभी हम लोग को वड़ा पाव खिलाने वाला है।
फोन ले आना भाई, ने तो बड़ा पाव खिलाने वाला है। चलिए आगे चलेंगे, हमको खिलाएगा। कितना खिलाने वाला है, कितना खिलाने वाला है बता तो। हाँ कितना खिलाने वाला है, एक वड़ा पाव नहीं खिला सक रहा है गाइस, एक वड़ा पाव नहीं खिला पा रही है। फोन लिया 60-70 हज़ार का, लेकिन एक वड़ा पाव नहीं खिला पा रहा है। खिलाएगा ना? अच्छा हाँ हाँ, चलो आज वड़ा पाव खिलाएगा। चलिए आगे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हम घर पे आ चुके हैं और बहुत थक गया था मैं, तो मैं कुछ और वीडियो लिया नहीं मैं, और मैं अभी आया 10 मिनट हुआ, मैं फ्रेश वगैरह हुआ तो सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर लेता हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में आप उन्होंने देखा कि मैंने आपको मेरा कॉलेज टूर कराया, मेरे से जितना हुआ मैंने आपको मेरा कॉलेज बताया, और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सर वगैरह थे तो सोचा कुछ बोलेंगे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। तो आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जल्दी ही मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।